मेडिटेशन 25 मार्च 2019, 1 साल 5 महीने और 6 दिन। मेरा माइंडसेट सिर्फ एक ही चीज़ ने चेंज किया था, वो है मेडिटेशन। ओ हाय, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को मेरा प्रीवियस वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके जाता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि मेडिटेशन ने मेरी लाइफ कैसे चेंज की, हाउ मेडिटेशन चेंज माई लाइफ। ओके, सो पहली चीज़ ये कि लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो और जिनको कुछ सूझ नहीं रहा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेडिटेशन हर इंसान को करना चाहिए, हर बच्चों को करना चाहिए मेडिटेशन। बिकॉज मेडिटेशन करने से आप बहुत फोकस्ड रहते हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट आता है, आपका एटमोसफियर पॉजिटिव होता है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि मेडिटेशन से होता क्या है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मेडिटेशन जो है वो इंडिया से निकला हुआ एक आर्ट है जो हिंदू रिलीजन में निकाला है। गौतम बुद्ध इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिटेशन, ही फर्स्ट एनलाइटेड दिस थिंग्स। सो मेडिटेशन करने से आप एकदम फोकस्ड रहते हो। जब आप मेडिटेट करते हो तब आपको पता ही नहीं कि आप मेडिटेशन किस चीज़ पे करते हो। सब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मेडिटेशन करने के लिए स्पॉटिफाई ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर डीप फोकस करके एक एल्बम है, वो एल्बम में जाइए और वो सॉन्ग सुनिए। दैट्स इट, सॉन्ग सुनना ही काफ़ी नहीं है, आपको बस सोचना है कि आप आज क्या करने वाले। लाइक सेट 3 गोल्स इन योर माइंड विच यू आर गोइंग टू डू टूडे एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कैसे करने वाले हो, उसे करने का प्रोसेस क्या है, और बस जस्ट मेडिटेट, ओनली मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स। अगर आप बिगनर हो तो 5 मिनट मेडिटेशन इज इनफ फॉर यू। और मेडिटेशन में दो टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं, एक जो है वो नॉर्मल मेडिटेशन, दूसरा जो है वो है एडवांस मेडिटेशन। नॉर्मल मेडिटेशन में कैसे बिगनर्स को पता नहीं चलता कि मेडिटेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड करना है। लाइक आपको पता ही नहीं कि मेडिटेशन करना कैसे है। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आप बैठे हो गया मेडिटेशन, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हिचएवर थिंग यू वांट टू डू। तो अगर आप बिगनर हो तो आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो आज आपको करना है, या आप अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचिए, उससे कैसे करना है उसका प्रोसेस ढूंढिए। 45 पे जो गाना है, 45 पे जो एल्बम है डीप फोकस, वो लगाइए और उसको सोचिए। सेकेंड, एडवांस मेडिटेशन, इसमें लोग जो है वो आधा घंटा, हाफ एन आवर, ना ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स में लोग मेडिटेट करते हैं। और मेडिटेट कैसे करते हैं, अपने ब्रेथ पे फोकस करके मेडिटेट करते हैं। उसके बाद मेडिटेशन ना ही आपको सिर्फ फोकस करने में हेल्प करता है या स्ट्रेस रिलीफ करता है, बट आपका डोपामिन लेवल भी बढ़ता है। और मेन चीज़ आप मेडिटेशन से सीख सकते हो कि कोई भी हैबिट अगर आपको बिल्ड करना हो या वो हैबिट छोड़ना हो तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट आई कैन सजेस्ट। और मेरे हिसाब से आजकल का यूथ है वो बेसिकली फोन से एडिक्टेड है। तो इस हैबिट को कैसे छोड़े, लोगों को समझ में नहीं आता। इंटरनेट पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, हाउ टू डू नो कैप चैलेंज, ठीक है, मत करो, आपके ऊपर है, आपको करना है तो करो। बट फॉर मी आई सजेस्ट यू दैट कि आप मेडिटेशन करो। आप जब भी फोन के बारे में सोचते हो या ऐसे थॉट्स आते हैं, जस्ट डू मेडिटेशन। दैट्स इट, 5 मिनट का मेडिटेशन विल रीबूट योर माइंड एंड विल हेल्प यू टू डू एनीथिंग यू वांट। सो ये एक चीज़ है कि ये मेन चीज़ है मेडिटेशन का। मेडिटेशन में हैबिट बिल्ड करने में मदद करता है। और एक चीज़ है कि मेडिटेशन आपको एक जेन्युइन पर्सन बनाता है। मेडिटेशन आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, आपको डिसीजन मेकिंग में प्रिपेयर करता है मेडिटेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और पास वाले बेल आइकन के हिट कीजिए ताकि आप मेरा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना